अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये हमारा एफएससी पार्ट सेकंड है, तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, लेक्चर नंबर 5 है। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की थी, तो एक्सरसाइज 1.2 का जो है इंट्रोडक्शन है हमारे पास। पहले देख लेते हैं क्या है उसमें। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हमने डिस्कस करना है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस भी आप इसे कह सकते हैं। देखते हैं क्या होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। देखिए, फंक्शंस का तो आपको आइडिया है। लेट सपोज, जैसे हमारे पास एक सेट है, इसी तरह दूसरा सेट है। सपोज दैट एक्स से वाई में एक फंक्शन है, और इसे हम कह देते हैं एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई में। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और सेट है जी, तो वाई से जी में एक सेट है जी, फंक्शन है जी। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन हो डायरेक्ट एक्स से जी में, डायरेक्ट एक्स से जी में, तो वो कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेशन होगा जी ऑफ जी एंड एफ का, तो वो कंपोजिशन कहलाएगा एफ एंड जी का या जी एंड एफ का। ठीक हो गया है। तो ये कंपोजिशन होती है कि टू फंक्शंस अगर दिए गए हों तो आप कह लें कि उनका प्रोडक्ट जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कहलाता है, या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कह लें या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कह लें। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। कंसीडर टू फंक्शंस, हमारे पास टू फंक्शंस हैं, एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई में एंड जी एक फंक्शन है वाई से जी में। Then the product, multiplication or composition of f and g is a function. तो ये भी basically एक function ही होगा, लेकिन क्या होगा, g and f का product होगा। तो इसे denote करेंगे gf, और ये x से किस में होगा, z set में होगा। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह हमने denote किया है कि एक function f एक function है x से y में and g एक function है y से z में। तो अगर एक function है जो x से z में हो तो जी एफ होगा वो, और इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, डिनोटेड बाई, डिनोट वैसे तो हम मोस्टली इसको इस तरह से करते हैं एफ कंपोजिशन, ये कंपोजिशन रीड किया जाता है एफ कंपोजिशन, जी कंपोजिशन एफ एंड डिफाइन एज, और इसे डिफाइन करेंगे जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये जो आपके पास है ये जो कंपोजिशन है इसे ख़त्म करके ब्रैकेट लगाई जाती है, और एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड बाय, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है 2x+1, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, फॉर ऑल रियल वैल्यू, कोई भी आप रियल वैल्यू पुट करें 1, 2, 3 ओवर में जो भी, तो जो आउटपुट मिलेगी, जो आंसर आएगा वो हमेशा रियल नंबर आ रहा है। तो ये जो दिया गया फंक्शन है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हम लिखते हैं 2xi+6, अब आप नोट करें इसमें आप कोई भी रियल वैल्यूड पुट करें तो आंसर ऑलवेज रियल नहीं आएगा, तो वो आंसर जो है कम्प्लेक्स नंबर में भी आता है। तो ये जो फंक्शन है रियल वैल्यूड नहीं है। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसका ऑलवेज जो आउटपुट मिल रहा होता है वो रियल नंबर्स हो। तो यहाँ पर एफ एंड जी जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, और डिफाइन कैसे किए गए हैं, एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स दिया गया है x²-1, ये टू फंक्शन है। तो वो कहते हैं कि इनकी कंपोजिशन फाइंड आउट कीजिए, जैसे फर्स्ट है एफ कंपोजिशन जी फाइंड आउट कीजिए, इसी तरह जी कंपोजिशन एफ फाइंड आउट कीजिए, एफ कंपोजिशन एफ फाइंड आउट कीजिए, जी कंपोजिशन जी। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें फर्स्ट हम कर रहे हैं एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो वी नो दैट एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स क्या होता है, देखें एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, इसे राइट ऐसे किया जाएगा एफ, ये जो आपके पास कंपोजिशन है इसे ख़त्म करके ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, इसे ब्रैकेट में पुट कर देंगे, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो देखें यही एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, इसकी कंपोजिशन को रिमूव किया जी ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स,
तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये देखें, ये आपके पास एफ ओफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ ओफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 2x+1। इसी तरह जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, और ये गिवन है हमें x²-1। ठीक हो गया। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो एफ इंटू, इसे रिमूव किया, जी ऑफ एक्स, यहाँ पे आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। क्या वैल्यू है जी ऑफ एक्स की, x²-1। ठीक है। तो अब आप देखें ये फंक्शन कौन सा है, एफ ओफ एक्स। एफ ओफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या लगाया जा रहा है, x²-1। तो एफ ओफ एक्स तो ये फंक्शन है, तो यहाँ एक्स की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स की जगह पे 2। वैसे एक्स की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, x²-1+1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x²-2+1। तो 2x²-1, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, इसी तरह हमने किया है कि जी ओफ एक्स की वैल्यू जो थी वो हमने रिप्लेस की है। जी ओफ एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो इसी तरह फिर ये फंक्शन है एफ़, तो एफ़ में ये वैल्यू लगा दे एक्स की जगह पे, और इसको सिंपलीफाई कर ले तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है जी कंपोजिशन एफ ओफ एक्स। जी कंपोजिशन एफ ओफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, जी कंपोजिशन एफ ओफ एक्स, इसका क्या मीनिंग होगा, जी इंटू एफ ओफ एक्स। तो एफ ओफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें। देखें एफ ओफ एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है आपको, एफ ओफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x+1। ठीक है। तो ये किस में रिप्लेस करना है, जी ओफ एक्स में। जी ओफ एक्स में ये देखें, ये एक्स की जगह पे लगाएंगे, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे जी ओफ एक्स में, 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, 4x² + 1 + 4x - 1, +1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4x² + 4x, ये 1 और -1 कैंसिल, तो ये आंसर होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का, प्रोसीजर जी कंपोजिशन एफ ओफ एक्स को कैसे राइट करेंगे, जी इंटू एफ ओफ एक्स। यहाँ पे अब एफ ओफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, क्या वैल्यू एफ ओफ एक्स की, देखें 2x+f, ये एफ ओफ एक्स की वैल्यू गिवन थी 2x+1, और इसी तरह जी ओफ एक्स की वैल्यू है x²-1। तो ये देखें ये आ गया। तो अब यहाँ पे फंक्शन जी है, यहाँ पे वैल्यू है जी ऑफ एक्स 2x+1, यानी कि 2x+1 यहाँ पे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो यह आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लें, कटिंग होने के बाद ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एफ कंपोजिशन एफ ओफ एक्स। एफ कंपोजिशन एफ ओफ एक्स, एफ इंटू एफ ओफ एक्स, यहाँ पे एफ ओफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें, 2x+1 है। अब देखें फंक्शन बाहर कौन सा है, एफ, तो एफ़ फंक्शन, एफ फंक्शन एफ ओफ एक्स की वैल्यू है 2x+1। तो यहाँ पे 2x+1 एफ फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे, 2x+1। ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा, तो इसका ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसका फोर्थ हमारे पास पार्ट है जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास बाई डेफिनेशन, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। फिर अगेन इसको किस में लगाना है, जी ऑफ एक्स में ही लगाना है, तो जहाँ एक्स होगा जी ऑफ एक्स फंक्शन में, उसकी जगह x²-1 लगा देंगे। और आपको पता है जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है x²-1, तो इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x²-1, तो क्या आ जाएगा, x²-1 का होल स्क्वायर -1, इसे ओपन कर लें, आंसर आ जाएगा। तो इसके ये फोर्थ पार्ट हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। तो एक नोट याद रखना है कि एफ ऑफ, यानी कि एफ जी जो है वो जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं होता। ठीक है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, एफ जी एंड जी ऑफ एफ इक्वल नहीं होता, कंपोजिशन एफ ऑफ जी और कंपोजिशन जी ऑफ एफ ये इक्वल नहीं होते। ठीक हो गया। आगे हमारे पास डेफिनेशन है एक वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन वन वन होता है, एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन एफ, एफ एक फंक्शन है इन विच डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हों, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है 1 का इमेज 1 है और कोई इमेज नहीं है। ठीक
ठीक है, इसी तरह मतलब के टू का इमेज जो है वो बी है, सी का इमेज, थ्री का इमेज सी है, फोर का इमेज डी है। यहाँ आप नोट करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई यानी टू एलिमेंट्स का इमेज सेम हो। ठीक है, तो ये वन वन कॉरेस्पोंडेंस इसे कहते हैं। वन वन कॉरेस्पोंडेंस अगर हो तो ऐसा फंक्शन वन वन होता है, तो ये एक वन वन फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इस कॉल्ड ऑन टू। तो हम एक फंक्शन एफ को जो एक्स से वाई में है इस कॉल्ड ऑन टू इफ़ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई। देखें, हमने देखा था कि रेंज क्या होती है फंक्शन की, या डोमेन क्या होती है। जैसे अब आपके पास एक फंक्शन है, एक्स एक सेट है, दूसरा वाई सेट है, 1 2 3 4 5, इसमें ले लेते हैं ए बी सी डी। चले लेट सपोज ये हमारे पास इसी तरह इसको इससे, ठीक हो गया। तो अब आप देखें इसमें जो रेंज है वो क्या आ रही है, रेंज इसका नाम रख लेते हैं एफ। एफ की जो रेंज है वो एलिमेंट आ जाएंगे, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी, ये इसकी रेंज है। ठीक हो गया, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके साथ ये एलिमेंट्स अटैच हुए हैं तो उन पर मुश्तमिल जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। फर्स्ट एज ए होल जो पूरा सेट है वो डोमेन कहलाता है और वो रेंज। वैसे एज ए होल पूरे सेट की अगर बात करें तो ये परी डोमेन होती है, ये डोमेन एंड ये परी डोमेन। ठीक है, रेंज ये होता है जिन जिन एलिमेंट्स के साथ ये अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ जो है एक्स से वाई में इस कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ जो है वो वाई के इक्वल हो, यानी कि एज ए होल पूरा सेट आ जाए। यहाँ पे जैसे हमने किया है, ये मैपिंग की है, देखें मैपिंग नोट करें, एज ए होल पूरा सेट, कोई भी एलिमेंट यहाँ से बाकी नहीं बचा हो, हर एलिमेंट के साथ अटैचमेंट हुई है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो दिया गया फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास है बाईजेक्टिव फंक्शन। बाईजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ जो है एक्स से वाई में इज कॉल्ड बाईजेक्टिव। ऐसे फंक्शन को बाईजेक्टिव कहते हैं जो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो। वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस को क्या कहा जाता है, बाईजेक्टिव। जैसे अब ये फंक्शन दिया गया है आपको, इसमें नोट करें कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, हर एलिमेंट वन जित अच्छा जी। इसी तरह फिर आप नोट करें कि यहाँ से अगर रेंज लें तो एज ए होल पूरा सेट आएगा, तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। तो ये एक बाईजेक्टिव फंक्शन है। बाईजेक्टिव फंक्शंस की पहचान ये भी होती है, टू सेट्स के दरमियान बाईजेक्टिव फंक्शन तब हो सकता है अगर उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो। अगर टू सेट्स के एलिमेंट की नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद इक्वल नहीं है तो उनके दरमियान हम जो है बाईजेक्टिव मैपिंग बना ही नहीं सकते। तो अगर इसमें 10 एलिमेंट है तो मस्ट है इसमें भी 10 एलिमेंट होने चाहिए, इसमें 20 है तो इसमें भी एक, क्योंकि उनकी वन वन कॉरेस्पोंडेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ से कोई रिमेनिंग रहता भी नहीं है, तो हर एलिमेंट को वन इमेज अलाट होगा। तो ये तब पॉसिबल है जब ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों के सेम हो। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट करते हैं एफ बी अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। एफ जो है एक फंक्शन है जो वन वन भी है ऑन टू भी है, मीन के एफ जो है वो बाईजेक्टिव है फ्राम एक्स टू वाई। यानी कि एक फंक्शन होना चाहिए जो बाईजेक्टिव है एक्स से वाई में। देन अ फंक्शन फ्राम वाई टू एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ डिनोटेड बाई एफ इनवर्स। डिफाइन एस कैसे कर रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इस तरह से इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। लेट सपोज एक फंक्शन है, ये 1 2 3 चले ए बी सी, ये एक्स है, ये वाई है, ये एफ एक फंक्शन है 1 2 3। अब आप नोट करें ये जो फंक्शन हमने बनाया है एक्स से वाई में, ये एक बाईजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें ऐसे, यानी कि रिवर्स करेंगे कि ए का इमेज वन हो जाएगा, बी का इमेज टू हो जाएगा, सी का इमेज वन, तो ये एफ इनवर्स कहलाएगा। और इनवर्स फंक्शन तब ही पॉसिबल होता है किसी भी फंक्शन का अगर वो बाईजेक्टिव हो, यानी कि अगर ये ऑलरेडी मैपिंग बाईजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज़ किसी भी हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो क्या होता है, बाईजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बाईजेक्टिव फंक्शंस की डेफिनेशन है। तो इसमें देखें सिंपल वो यही कह रहे हैं कि इफ़ अगर इफ़
एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल है वाई के, तो देन ये याद रखना है कि एक्स इक्वल होगा एफ इनवर्स वाई के। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम, यानी कि अगर इधर से एक मैपिंग है तो सेम अगर इसका रिवर्स कर दें तो वो उसका क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है ये, सॉरी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट एफ बी अ फंक्शन जो वन वन भी है, ऑन टू भी है, जो एक्स से वाई में है, तो वाई से एक्स में जो फंक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एग्जाम्पल है, जैसे वो कहते हैं कि ये फंक्शन दिया गया, इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल है, एफ ओफ एक्स दिया गया है 2x+1, तो आपको पता होना चाहिए एफ ओफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ओफ एक्स इक्वल होता है वाई के। तो यहाँ पे वाई रिप्लेस कर दें। अब यहाँ से हम एक्स को सेपरेट कर रहे हैं, वन को उधर शिफ्ट कर दें फिर टू से डिवाइड, तो एक्स आपको क्या मिल जाएगा, देखें एक्स हमें ये मिल गया, और ये जो एक्स होता है ये इक्वल होता है एफ इनवर्स वाई के, तो इसकी जगह एफ इनवर्स वाई आ गया। अब ये जो आपके पास है फंक्शन, इसमें एक्स वाई की जगह हर जगह एक्स रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका इनवर्स आया। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन है। जैसे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर्स होते हैं, जैसे 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिल जाए, तो 1/3 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिल जाए, 4 से, तो 1/4 से। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसी तरह हमने क्योंकि एफ और एफ का इनवर्स निकाला है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए एक्स, तब तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। चलें चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन नाउ एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो एफ इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू आई है, ये देखें ये वैल्यू आई है, इसमें रिप्लेस कर दिए, और ये वाली वैल्यू एक्स फंक्शन में, आप एफ फंक्शन में एक्स की जगह पुट करेंगे। देखें एफ ओफ एक्स क्या था, एफ ओफ एक्स इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, वो है 2x+1। ठीक है, तो इसमें एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 एक्स आ गया। नाउ दूसरे वे से ले लेते हैं, एफ इनवर्स इंटू एफ ओफ एक्स, एफ ओफ एक्स की वैल्यू ये है, और ये आप किस में पुट करेंगे, इनवर्स फंक्शन में। इनवर्स फंक्शन क्या आया हमारे पास, देखें ये, इसमें जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या लगा देंगे, ये 2x+1, ये आपके पास आ जाएगा 2x+1 इंटू -1/2, तो ये एक्स से एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 आ जाएगा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखें 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों का रिजल्ट एक्स आ रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट मिला है कि एफ एंड एफ इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका रिजल्ट है।